अब कैसे कहें मोदी जी कि हमारा देश डिजिटल है। जनवरी 2019 में आपने रेलवे के फॉर्म निकाले थे, जनवरी 2022 आने वाली है, यानी 3 साल हो गए। अगर अभी भी भर्ती प्रोसेस शुरू करो तो 1 साल और लग जाएंगे, यानी एक भर्ती 4 साल। अगर यही भर्ती 1 साल में कंप्लीट होते तो 3 साल तो 100 करोड़ बच्चे प्राइवेट जॉब करते। क्या हमारे देश की GDP ग्रोथ नहीं करती? बिल्कुल करती। महंगाई आपने कहाँ पहुँचा दी वो आपको पता है। प्राइवेटाइजेशन को आपने हमेशा महत्व दिया वो आपको पता है। हमने इसलिए चुना था कि आपको 2014 में आपने अच्छा काम किया, इसलिए फिर हमने 2019 में वोट दिया। इन बेरोजगारों को पार्टी से कोई मतलब नहीं कौन है, बस इनके लिए अच्छा होना चाहिए। जो टाइम पे भर्ती प्रोसेस शुरू करे, टाइम पे भर्तियां निकाले, टाइम पे करे सब कुछ। अब 3-3 साल आप कुछ नहीं करे तो क्या करेंगे युवा? यूं तो इतना परेशान आपके कारण समझ ही नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। अब मन की बात से काम नहीं चलेगा, काम की बात होनी चाहिए। और कोई दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं होता। कोविड का आपका ये बहाना है क्या? कोविड के कारण विधानसभा चुनाव नहीं हुए? IPL आपने कहीं भी करवाओ, हर बार आपने IPL करवाए। तो मन की बात नहीं, काम की बात करो।